कि हमारी टीम जो गोल्ड मेडल की थी, बट चलो ये जो भगवान ने लिखा और जैसे भी है वो होना ही है, बट हम अभी इसी कोशिश से गए थे कि हमें ये कलर चेंज करना है, बट आगे हम और इस पे काम करेंगे। जर्मन, एक सवाल इस पे कि क्रेग फुल्टन जब से आए पिछले 1.5 साल में, हॉकी ने कुछ हमारी इंडिया में अलग ही लेवल पे तरक्की करी, ऐसा क्या मैजिक है उनका कि मतलब एकदम से इतना बड़ा बदलाव आ गया है? बिल्कुल, न्यू कोच आने की वजह से, जैसे कि क्रेग के भी आपने इंटरव्यू सुने होंगे, क्रेग की थिंकिंग भी आपने देखी होगी, वो अलग अलग डिफरेंट थिंकिंग के इंसान है और उन्होंने काफी नहीं बहुत ज्यादा चेंज हॉकी में हमारी में लाया है। काफी स्ट्रक्चर्स में हम खेलते हैं अभी, हमारे पास काफी प्लान है, काफी डिटेल्स हमें नेक्स्ट टीमों की भी मिल रही है, नेक्स्ट प्लेयर्स क्या करते हैं, जो कि हमारी टीम को बहुत हेल्प कर रही है सर। क्योंकि हॉकी को ऐसे ही आप सपोर्ट करो, क्योंकि देखा जाए कि बैक टू बैक मेडल जीते हैं हमने और ऐसे ही लेगेसी जो है उसको मेंटेन करेंगे, और आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है और आप सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मैडम, मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे मतलब हॉकी की हिस्ट्री स्पेशली ओलंपिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे हमारे 8 गोल्ड मेडल हैं पहले, है ना, 90s में, और ब्रॉन्ज मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं, और वो वाले टाइम में ऐसा था भी बिल्कुल ही, मतलब 100% हम श्योर होते थे भी हॉकी में मेडल आएगा ही आएगा ओलंपिक्स में, और मैं हम लोग वो टाइम फील कर रहे हैं अभी, वो टाइम वापस आ रहा है और वापस आ गया है, क्योंकि बैक टू बैक मेडल लेके आना ओलंपिक में छोटी बात नहीं है। और ठीक है, अभी हमने ब्रॉन्ज बैक टू बैक लेके आए हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो भी टूर्नामेंट हुएंगे ये मेडल का कलर भी चेंज होगा और परफॉर्मेंस भी इससे बेटर होगी। कि हमारी टीम जो गोल्ड मेडल की थी, बट चलो ये जो भगवान ने लिखा और जैसे भी है वो होना ही है, बट हम अभी इसी कोशिश से गए थे कि हमें ये कलर चेंज करना है, बट आगे हम और इस पे काम करेंगे। जर्मन, एक सवाल इस पे कि क्रेग फुल्टन जब से आए पिछले 1.5 साल में, हॉकी ने कुछ हमारी इंडिया में अलग ही लेवल पे तरक्की करी, ऐसा क्या मैजिक है उनका कि मतलब एकदम से इतना बड़ा बदलाव आ गया है? बिल्कुल, न्यू कोच आने की वजह से, जैसे कि क्रेग के भी आपने इंटरव्यू सुने होंगे, क्रेग की थिंकिंग भी आपने देखी होगी, वो अलग अलग डिफरेंट थिंकिंग के इंसान है और उन्होंने काफी नहीं बहुत ज्यादा चेंज हॉकी में हमारी में लाया है। काफी स्ट्रक्चर्स में हम खेलते हैं अभी, हमारे पास काफी प्लान है, काफी डिटेल्स हमें नेक्स्ट टीमों की भी मिल रही है, नेक्स्ट प्लेयर्स क्या करते हैं, जो कि हमारी टीम को बहुत हेल्प कर रही है सर। क्योंकि हॉकी को ऐसे ही आप सपोर्ट करो, क्योंकि देखा जाए कि बैक टू बैक मेडल जीते हैं हमने और ऐसे ही लेगेसी जो है उसको मेंटेन करेंगे, और आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है और आप सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मैडम, मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे मतलब हॉकी की हिस्ट्री स्पेशली ओलंपिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे हमारे 8 गोल्ड मेडल हैं पहले, है ना, 90s में, और ब्रॉन्ज मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं, और वो वाले टाइम में ऐसा था भी बिल्कुल ही, मतलब 100% हम श्योर होते थे भी हॉकी में मेडल आएगा ही आएगा ओलंपिक्स में, और मैं हम लोग वो टाइम फील कर रहे हैं अभी, वो टाइम वापस आ रहा है और वापस आ गया है, क्योंकि बैक टू बैक मेडल लेके आना ओलंपिक में छोटी बात नहीं है। और ठीक है, अभी हमने ब्रॉन्ज बैक टू बैक लेके आए हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो भी टूर्नामेंट हुएंगे ये मेडल का कलर भी चेंज होगा और परफॉर्मेंस भी इससे बेटर होगी।